ये जिम से आते ही वेट कम होते हैं जिम के बाद, मेरा तो क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। एक नए दिन की शुरुआत, नए दिन के साथ आपको देखने को मिलती है मेरी मस्ती के साथ। तो ये देखो कीरत ने क्या करा है, जो अपने सारे टॉयज हैं उनको यहाँ पे जो आए थे मैट उनको यहाँ फिट कर दिया ग्रिल में। ये मम्मी का आइडिया था। मम्मी का आइडिया था? मम्मी के पास इतने ब्रिलियंट आइडिया होते भी हैं। हेलो, क्या हाल है सबके? तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे जीजू अपनी हिस्ट्री के बारे में बताओ, आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कौन सी एज में किया, क्या किया, सब कुछ बताओ। तो मेरी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको देता हूँ। 1982 में मैं बॉर्न हुआ और 82 से लेके 96 तक मैंने स्टडी कंप्लीट की। 1996 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑन बिजनेस पे आ गया था मैं। 96 में मैंने एक ढाबा स्टार्ट किया आज़ादपुर में। तो उस ढाबे में मैंने अच्छी सेल ग्रो करी, 100 सीटर ढाबा था ऑलमोस्ट वो। वहाँ पे मतलब उस टाइम पे मैं 96 से लेके 2001 तक उस एरिया में मैंने डेली 50,000 60,000 रुपये की डेली सेल करी। तो मतलब एक अच्छा ह्यूज अमाउंट होता था और मेरे उसके बाद ढाबे के बाद बहुत वेटिंग लगती थी। तो उसके बाद 2000 में मैं थक गया काम कर करके। तो मैंने वो 2001 में आई थिंक काम बंद कर दिया। तो 2001 में मैं एक्सपोर्ट लाइन पे आया। एक मित्र है पाकिस्तान में, शालामार बाग में, टाइगर ब्रांड आटा है उनका, उनके साथ मिलके मैंने इंडिया से 14 ट्रेनें पाकिस्तान में शुगर की एक्सपोर्ट की। उस टाइम पे शुगर बहुत महंगी थी वहाँ पे और इंडिया में सस्ती थी, तो हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट की। तो वो काम किया एक दो साल। उसके बाद फिर 2004 में मैंने राजेंद्र नगर में पीजी अकोमोडेशन ओपन कर दिया, तो जो 2012 तक चलता रहा। और उसके बाद वो मैंने BLK को रेंट आउट कर दिया। एंड सेकंड 2006 में मैंने, जो आप लोग ट्रेड फेयर देखने जाते हो गए ITO पे, जो प्रगति मैदान पे, वो ट्रेड फेयर का कॉन्ट्रैक्ट लिया। 2007 से लेके 2012 तक वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी ट्रेड फेयर आप देखते थे, सारी की सारी ट्रेड फेयर हम लोग लगाते थे। सारी मतलब स्टॉल बनाना से लेके पूरी बैनर लगाना, और जो लोग आते थे उनको अकोमोडेशन देना। ऑलमोस्ट पहाड़गंज के तकरीबन 200 होटल में बुक करता था उस पे। तो वो किया। और उसके बाद फिर 2009 में भी मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया गुड़गांव में, ज्ञान्स के नाम से। वो 2 साल चलाया, फिर बीच में सोनू अमेरिका चला गया 6 महीने के लिए। मैं बहुत तंग हो गया था अकेले ड्यूटी दे के। फिर मैंने वो रेस्टोरेंट को सेल आउट कर दिया चलते हुए को। उसकी भी सेल ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख रुपए रोज की थी। तो फिर वो किया 2012 तक। फिर मैंने ये किया अब 2013 से, फिर मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गया। और जो कर्नाटका गवर्नमेंट के, आपका दिल्ली गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के, और काफ़ी सारी और गवर्नमेंट्स के, एक्सटर्नल अफेयर्स के, होम अफेयर्स के, तो इन सब के कॉन्ट्रैक्ट लेता रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट करते करते आज जिंदगी 2022 तक आ गई। अब उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम कर लेते हैं। बस यही अपनी छोटी सी जिंदगी है, जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के दौरान मैंने 10 से 12 कंट्रीज घूमी है फॉरेन की, बच्चों के साथ खूब हॉलीडेज किए हैं। मतलब हॉलीडे मूड पे ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि अब भगवान की कृपा से सारा काम मेरा सेट है, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो राजेंद्र नगर में जो पीजी अकोमोडेशन खोला था, उस पीजी अकोमोडेशन से मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन बने, क्योंकि वहाँ पे सारे IPS और IAS और IFS, IRS यही लोग रहने आते थे, स्टडी करते थे और सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते थे। तो उनसे प्यार बना, प्यार मोहब्बत बनी, बनते बनते ब्यूरोक्रेसी में इतने स्ट्रांग हो गया। आज इंडिया में भगवान की दया से कहीं पे भी कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे DC है, DM है, ADM है, ADC है, व्हाटएवर सेक्रेटरी है या कुछ भी कमिश्नर है, तो सब मेरे मतलब बड़े भाई की तरह है। सबसे मतलब वो कहने को वो सर भी हैं, पर मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे को वो सब छोटा भाई मानते हैं हर एक लेवल में, कहीं पे भी। और मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि छोटे से लेके, मैं राष्ट्रपति भवन से भी मुझे कार्ड आते रहे, इनविटेशन के कार्ड आते हैं। आज भी कहीं प्रेसिडेंट हाउस में कोई फंक्शन होता है तो स्पेशल इनवाइटी में मेरा नाम है, मुझे जरूर कार्ड आता है। मैं हर इनविटेशन कार्ड आता है, मैं हर फंक्शन वहाँ पे अटेंड करता हूँ। वहाँ पे मतलब
साल के तीन फंक्शन तो पक्के ही होते हैं, एक 15 अगस्त को एटम होता है, एक 26 जनवरी को एटम होता है, और एक बीच में कोई छोटा मोटा फंक्शन और आ जाते हैं तो वो भी होते हैं, तो हम लोग अटेंड करते ही करते हैं ये वाले फंक्शन, इसमें हमें कार्ड आते ही आते हैं। तो बस जिंदगी में सबसे प्यार बनाया है, उस प्यार का ही मतलब ये है कि बस बढ़ता जा रहा है प्यार। अब इसमें आप लोग ही मुझे देख लीजिए, यूट्यूब में ही आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, बस यही प्यार है, इस प्यार को बढ़ाते रहो। जो आज के टाइम पे मतलब जो मैं एक चीज बताता हूँ, जो कॉन्टेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में मजा है ना, वो और किसी चीज में मजा नहीं है। तो आप सबके कॉन्टेक्ट में रहो और बिल्कुल डाउन टू अर्थ बन के रहो, मतलब कोई अपने आप पे घमंड मत करो कि मैं ये हूं मैं वो हूं वो हूं। घमंड वाला आदमी नीचे गिरता है, रावण को भी बहुत अहंकार था तो कहां गिरा। तो इस करके अहंकार पे मत जीना, आराम से जीना, नम्रता से जीना, प्यार से जीना, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, जो आपको रिस्पेक्ट दे उससे भी करना, जो आपकी पीठ के पीछे चुगलियां करे उससे भी रिस्पेक्ट से बात करना, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है हमारी, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, मोको निंदा बहुत प्यारी। तो मतलब जितना आप मुझे निंदोगे, जितना आप करोगे, उतना मैं चढ़ता जाऊंगा। तो बस भगवान की कृपा रहनी चाहिए, उसकी नजर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो किसी से डरना नहीं, ना ही मैं कभी किसी बंदे से डरा हूं, सिर्फ भगवान से डरता हूं। तो बस यही मेरी है छोटी सी जिंदगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, बुरे कमेंट देना, मैं वो भी पढ़ के हंसूंगा। बस यही है हमारी जिंदगी और कुछ नहीं है। और बैकग्राउंड मेरा पॉलिटिकल फैमिली से ही है, पापा भी पॉलिटिक्स में है, ताया जी भी पॉलिटिक्स में थे, तो बैकग्राउंड पूरा पॉलिटिकल ही है। ओके वेरी गुड, सारा तो अभी हम जा रहे हैं प्रभनूर को उसके फ्रेंड के बर्थडे पे छोड़ने के लिए। कहाँ पे? घर पे बर्थडे पार्टी है, घर पे बर्थडे पार्टी है, ये वहाँ जा रही है, तो इसको छोड़ के आएंगे। मैं और प्रीति जा रहे हैं, ये कैसे आएगी? मैं मेरे फ्रेंड की मदर, वापसी इसके फ्रेंड की मदर छोड़ देगी, अभी हम छोड़ने जा रहे हैं। प्रभनूर कह रही है पहले चलना है 23 सेक्टर में, 23 सेक्टर में जाके इसको अपने फ्रेंड के लिए टॉय लेना है। टॉय क्या मतलब? क्या मतलब टॉय नहीं मतलब? इसने अपने फ्रेंड को पिक करना है, एक फ्रेंड को पिक करना है और दूसरे फ्रेंड के लिए टॉय कह रहा था मैं, टॉय नहीं गिफ्ट लेना, बर्थडे गिफ्ट। वो कीरत को देख के हमको टॉय निकलता है ना हमारे मुंह से, क्यों भाई कीरत? तो क्या टॉय दिला रहे हो? किसको दिला दूं? तुझे तो अभी मिला था टॉय। अरे मैं कह रहा टॉय दिला रहे हैं, ठीक है, तो अब पहले 23 सेक्टर से टॉय लेंगे, फिर टॉय लेके मतलब गिफ्ट लेंगे, फिर प्रभनूर को छोड़ेंगे और फिर प्रभनूर शाम को वापस आएगी और फिर मैं दोबारा से अपने एक काम चला जाऊंगा। तो आज प्रीति ना बहुत खुश है। क्यों? पूछ रही है क्यों? भाई सीमा आ चुकी है, आज तो खुशी आई है। ये क्या बात है, सीमा तो आना ही था उसने, तभी तो खुश है। कल इसका मैंने तो उसको बोला था कि आज भी छुट्टी कर ले। तो प्रभनूर को हमने छोड़ दिया है उसके फ्रेंड के घर पे और अब वो शाम को आएगी। प्रभनूर को हमने ड्रॉप कर दिया है और अब वो शाम को आएगी, उसका उसकी फ्रेंड की मदर उसको लेके आएगी, रात को भी हो सकती है, तो आराम से आएगी। और अब मैं प्रीति और कीरत को मैं घर पे ड्रॉप करूंगा और उसके बाद शायद मुझे कहीं पे काम जाना पड़ेगा साइबर सिटी की तरफ, अगर गया तो साइबर अब जाऊंगा, नहीं गया तो आराम से रेस्ट करके सो जाऊंगा, क्योंकि आज सुबह मैं बहुत जल्दी चला गया था और काम करके आके थक चुका हूँ। तो ये जो कीरत है ना स्कूल से थका आता है, पर इसको होता है कि हम मैं राउंड मारने जरूर जाऊं, घूमने जरूर जाऊं, ये कहीं घूमने जा रहे हैं और ये प्रभनूर को छोड़ने गया था और वापस आते आते गहरी नींद में सो चुका है। अब कल इसको फिर स्कूल जाना है, अभी आराम से उठेगा, रात को होमवर्क करेगा, थोड़ा बहुत पिटेगा और फिर सो जाएगा। आज भी जो टेम्परेचर है ना वो 41 डिग्री है जो मीटर पे आ रहा है गाड़ी के, 41 42, तो वेदर इतना ज्यादा हुआ गर्म ना कि बता नहीं सकते आपको। हल्की हल्की सी ना आलसपन वाली फीलिंग आ रही है, नींद सी भी आ रही है। पहले जाके सीमा को बोलते हैं जल्दी से एक चाय पिला दे और चाय पी के भाग जाए यहाँ से, घर से फटाफट। तो देखो पानी की कितनी शॉर्टेज है, लोग पानी को कैसे स्टोर करके ले जा रहे हैं। तो इससे ये सबक मिलता है कि पानी को जितना बचा सकते हो बचाओ,
क्योंकि ये ऐसी एक चीज है जिसको हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये बारिश आएगी और ऊपर मतलब अच्छी स्नोफॉल होगी तो हम लोगों को पानी मिलेगा, तो इस करके पानी को जितना सेव कर सकते हो, जितना बचा सकते हो बचाओ। समझी प्रीति? कुछ ऐसे नलका खोल के खड़े हो जाते बर्तन धोने के लिए, धीरे धीरे दो एक बर्तन में करके। ओ, आप ब्रश करते हो ना, आप खोल के खड़े होते हो, जब तक तो पूरा ब्रश नहीं हो जाता पानी चलता रहता है। तूने देखा? हाँ। है मुझे पता है, मैं लोगों को भी दिखा दूंगा ब्रश करते हुए। अब तो दिखाओगे ना मेरे से? सच्चाई लो, मेरा मुंह मत खुलवाया करो, मैं कुछ कहती हूँ शांत बैठी होती हूँ। मेरे फालतू में मेरे पे उंगली आ जाती है। तो अगम आ चुका है और प्रीति और ये तैयार, कहाँ जा रहे हो भाई? जिम जा रहे हैं ये दोनों। कहाँ है भी तू? हेलो, तैयार हो रही है जिम भी, तैयार होकर जाती है। तो ये प्रीति ये जा रही है जिम पूरी तैयार शर होके। शादी पे जा रही है क्या? शादी में जूते डाल के जाते हैं क्या? पता तुम्हारी यहाँ पे ऐसी शादी होती है? हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं होती। अच्छा, तो कोई फायदा है जिम जाने का? हाँ। प्राप्ति बता, मन की खुशी है? कितने पैसे फूक दिए अभी तक? नहीं दिया, कम से कम 3-4 हज़ार फूक दिए होंगे। ये जिम से आते ही वेट ज्यादातर मुझे समझ नहीं आता, घर का काम भी करा मैंने, हर चीज करी, लोगों के वेट कम होते हैं जिम के बाद, मेरा तो क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है पॉइंट करके। मैं कल पूछूंगी ट्रेनर से, कहीं मेरे को उल्टी एक्सरसाइज तो नहीं करा रहा भैया, कहीं वेट गेन वाली कर रही हो? मैं जरा बात करूंगी, पता लगे तू 70-60, तू पता लगा 60 किलो से 200 किलो की हो गई। एज्यूम कैसे लगेगी? नहीं ऐसा भी नहीं है, एज्यूम करियो, एज्यूम करियो। पतली तो मैं हो जाऊंगी। हाँ, पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, शेंकी ने बताया था कि पहले वेट बढ़ता है फिर कम होता है। प्रीति, कीरत ने मंगाया पिज्जा, अभी मैंने ऑर्डर किया। कीरत ने बनवाया है? मंगवाया है। ओ, चीज़ पिज्जा। पिज्जा तो मम्मी खाती नहीं, तो ये अपने लिए मंगाया, तेरे लिए नहीं मंगाया उसने, तुझे को खाने की पड़ी। तो अभी मेरी माला जो टूट चुकी है ना, वो ये है कि माला मेरी टूट चुकी है, जाप माला मेरी टूट चुकी है, देखो मेरे साइज की थी पहले, और अब मेरे लिए किसी मेरी सब्सक्राइबर ने भेजी है जाप वाला, अमन चाचू को कराया था, उन्होंने बताया था ये मेरे को पापा बन बता रहे, मैं तो उस समय उठा ही नहीं था। कीरत की जो ये जाप माला टूट गई थी, तो अभी अमनदीप का फोन आया जो मेरा फ्रेंड है, उसको ये अमन चाचू बोलता है, तो उसने कहा है कि कीरत के लिए कोई सब्सक्राइबर है जो जाप माला देखे गया है, तो वो मेरे पास पड़ी है, तू ले लियो, मैं कब पक्का तू मेरे को कल परसों मिलियो तो मैं ले लूंगा। तो थैंक यू है यार, बट आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज हमें ऐसे गिफ्ट मत भेजा करो, हमको बस आप लाइक करते हो शेयर करते हो वही बहुत प्यार है, तो बस ये गिफ्ट की तकलीफ में मत पड़ा करो यार प्लीज। प्रभनूर आ चुकी है और दरवाजे को तोड़ रही है। हाँ भाई, कैसी रही फिर बर्थडे पार्टी? कैसी रही फिर बर्थडे पार्टी? तो फिर रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? क्यों नहीं होता, हमने गिफ्ट नहीं दिया तो रिटर्न गिफ्ट लाओ भाई। हेलो, कहाँ रिटर्न गिफ्ट? तो मैं वेट कर रहा हूँ ना यार। अच्छा, प्रभनूर आ चुकी है, आती पूछ रही है मम्मा जिम नहीं गई, और जिम से आने के बाद मम्मा का हाल तो आपने देख ही लिया है, वो कह रही है जिम जाने के बाद कि सबके वेट कम होते हैं, मेरा वेट बढ़ क्यों रहा है, उसका वेट फिर बढ़ गया। और प्रभनूर आई है, पहले बता रिटर्न गिफ्ट का है? ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ रिटर्न गिफ्ट की। ये ऐसे है कि कुछ लगाए हो तो हमारे लिए क्यों लेकर आए? हाँ, ये जैसे भी जिम गई थी तो वेट बढ़ा के आ गई। कीरत पिज्जा खा रहा है, अभी आने वाला, मतलब तेरे कहाँ गया पिज्जा खाने? नहीं, घर पे ही आ रहा है, पिज्जा हमने मंगाया है। तो प्रीति बना रही है मेरे लिए और अपने लिए अंडे की भुर्जी, आज हमारा मन है कि स्पाइसी वाली अंडे की भुर्जी खानी है। तो आज उतना कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा प्रीति यार कुछ स्पाइसी सा आज खुद बना अपने हाथ से, तो आज ये मस्त सा खाना बना रही है, खुद बना अपने हाथ, मतलब ये स्पाइसी वाला वो खुद, वैसे तो ये बनी हुई है पर ये नहीं खानी, इनको वही खानी है, मस्त मस्त। प्रभनूर, मम्मा पूछ रही है पनीर की भुर्जी खानी है? कहाँ जा रहा है? अच्छा, तो पिज्जा लेने जा रहा है। हाँ। ठीक है, पिज्जा भाई सारा पिज्जा खा गया तू तो। हाँ, बस एक बचा है, वो मैं कल खाऊंगी।
कल खाएगा? चल ठीक। खा चुका है पिज्जा और हमने खा लिया मस्त मस्त भुर्जी अंडे की जो प्रीति ने बनाई थी, अल्टीमेट बनी थी, खूब स्पाइसी, मतलब बता नहीं सकता क्या मजेदार बनी थी। और अभी प्रभनूर कर रही थी मस्त डांस, हमने उसके डांस को भी कैप्चर कर लिया है। और अब बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि थक चुके हैं, मजेदार फन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, एंजॉय एंजॉय। तो अभी मैंने खा लिया पिज्जा, ये सब खा लिया और इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर, होमवर्क करना है, मैं और पढ़ेगी रात को 1 बजे, बेल आइकन दबा देना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरे नए सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देखो, उनको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू, अगली वीडियो में बाय 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 बाय।